इस युवक की तस्वीर देख रहे हैं। इस युवक ने टैंक के सामने कूदकर अपनी जान दे दिया। इस घटना के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन का। बता दें कि कोतवाली सदर क्षेत्र के गांव बमहोरी नगर के रहने वाला अंकेश पाल, जिसकी उम्र 19 साल थी और वह बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। अंकेश का जन्मदिन था और वह जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर वालों से कह रहा था। बुजुर्ग दादा की तबीयत गंभीर होने के चलते वालों ने उसे जन्मदिन मनाने से मना कर दिया। फिर क्या था, अंकेश अपने घर पर मोबाइल छोड़कर निकल गया और अपने नजदीकी ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया और वहीं भोपाल से ललितपुर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूद गया, जिससे कि युवक की बॉडी इंजन के हुक में फंस गया और करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक युवक घिसटता चला गया। और वहीं मौके पर पहुंचे स्टेशन मास्टर के अलावा जीआरपीएफ के कर्मी, इंजन में फंसे शव को निकालने के लिए गैस कटर से हुक को काटा गया और फिर हथौड़े से तोड़ा गया। इस प्रक्रिया में लगभग 1.25 घंटा समय लग गया था, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। किसनाथ कर जाते पुलिस ने घर वालों को सूचना दी। पहुंचे परिजन उसकी पहचान और बेटे का शव देख पिता का हाल बेहाल हो गया। घर वालों ने बताया कि अंकेश 3 बहनों में इकलौता भाई था और वह पढ़ने में होशियार भी था। इसके अलावा वह कुछ दिनों पहले एक दुकान पर काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा। अचानक उसने यह कदम कैसे उठा लिया, समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि युवक जन्मदिन मनाने के लिए घर वालों से कहा, लेकिन घर में दादा की तबीयत खराब होने के चलते घर वालों ने मना कर दिया। तो क्या अंकेश को ट्रेन से कटकर अपनी जान देना चाहिए था? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी छोटी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।